पुराने ज़माने से ही इंसानों ने आसमानों को जीतने का ख्वाब देखा है। इस चैप्टर में मतलब कि टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के अंदर भी दो कहानियाँ हैं और दोनों फ्लाइंग से रिलेटेड है। इसमें पहली कहानी है हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी कहानी है द ब्लैक एरोप्लेन। हिज फर्स्ट फ्लाइट कहानी एक यंग सीगल की है जो कि एक समुद्री पंछी है और वो उड़ने से डरता है। क्या वो उड़ सकता है या नहीं, वही हम लोग इस वीडियो में आज देखने वाले हैं। और द ब्लैक एरोप्लेन कहानी एक पायलट की है जो तूफानी बादलों में गुम हो गया है। क्या वो अपने घर सही सलामत पहुंचता है या नहीं, ये हम लोग इस वीडियो में नहीं देखने वाले हैं बल्कि इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। यंग सीगल अपने लेज पर अकेला था। उसके दो भाई और उसकी बहन एक दिन पहले ही उड़ गए थे। वो उनके साथ उड़ने से डरता था। किसी तरह जब वो थोड़ा दौड़कर लेज के किनारे पर पहुंचा और अपने पंख को फड़फड़ाने की कोशिश की तो वो डर गया, क्योंकि समुद्र लेज से बहुत ही ज़्यादा नीचे और दूर तक फैला हुआ था। उसे लगा कि उसके पंख कभी साथ नहीं देंगे, इसलिए इसने अपना सर झुका लिया और वापस भागकर उस गड्ढे के नीचे के उस छोटे से होल में गया जहां वो रात को सोया था। हालांकि इसके भाई और उसकी छोटी बहन के पंख सीगल के पंख से बहुत ही छोटे थे। वो लोग भागकर किनारे पर गए और अपने पंख को फड़फड़ाकर उड़ गए, लेकिन वो उड़ान भरने में नाकाम रहा, इसलिए वो उदास था। फिर उसके माता पिता आते हैं और डांटते हुए बोलते हैं, जब तक तुम इस लेज से नहीं उड़ोगे तो तुम्हें भूखा ही सोना पड़ेगा और कोई तुम्हें खाने के लिए नहीं देगा। लेकिन फिर भी वो उड़ान नहीं भर सका। उसे डांटे हुए 24 घंटे हो गए थे, तब से कोई भी इसके पास नहीं आया था। एक दिन पहले पूरा दिन इसने अपने माता पिता को अपने भाइयों और बहन के साथ उड़ते हुए देखा। उन्हें सही से उड़ने का तरीका सिखा रहे थे। उन्हें सिखाया कि कैसे लहरों को पार करना है और मछली को पकड़ने के लिए गोता कैसे लगाना है। वास्तव में उसने देखा कि कैसे उसके बड़े भाई ने जीवन में पहली बार हेरिंग फिश को पकड़ा और चट्टान पर बैठकर उसे खाने लगा। जब वो हेरिंग फिश को खा रहा था तो उसके माता पिता बहुत ही खुश थे और खुशी से हंसते हुए उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, और सारा परिवार दिन भर इधर से उधर उड़ता रहा और सीगल को ताना मारता रहा, उसे चिढ़ाता रहा कि वो कायर है, वो डरपोक है, वो उड़ नहीं सकता है। सूरज अब आसमान पर चढ़ रहा था और लेज पर चमक रहा था जिसका फेस साउथ की तरफ था। उसे और ज्यादा गर्मी लगने लगी क्योंकि उसने पिछले रात से ही कुछ नहीं खाया था। वो चलता हुआ धीरे धीरे लेज के किनारे पर पहुंच गया और एक पैर पर खड़ा होकर दूसरे पैर को अपने पंख के नीचे छिपाकर उसने एक आंख बंद कर ली, फिर दूसरी भी, और सो जाने का नाटक किया। फिर भी इसके फैमिली ने इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसने देखा कि उसके दो भाई और उसकी बहन प्लेटू पर सर झुकाकर सो रहे थे। उसके पिता अपने पंख को सही कर रहे थे, सिर्फ उसकी माँ ही उसे देख रही थी। वो प्लेटू पर एक छोटे से ऊंचे हम्प पर खड़ी थी और उसका चेस्ट सीगल की तरफ था। बार बार वो मछली के एक टुकड़े को नोच रही थी जो कि उसके पैरों पर पड़ा था, और फिर चट्टान पर अपनी चोंच के हर हिस्से को खुरच रही थी। मछली को देखकर सीगल के होश उड़ गए। कैसे वो खाना को इस तरह फाड़ना पसंद करता था, अपनी चोंच को बार बार खुरच कर उसे मसल देता था। सीगल रोते हुए अपनी माँ से खाने के लिए मांगा, लेकिन उसकी माँ ने उसे धुतकार दिया। लेकिन फिर भी सीगल उदास होकर अपनी माँ को आवाज लगाता रहा। फिर अचानक एक मिनट बाद वो खुशी से चिल्ला उठा क्योंकि उसकी माँ मछली का एक टुकड़ा उठाकर उसके पास उड़ती हुई आ रही थी। वो खुशी से थोड़ा आगे की तरफ झुक गया, लेकिन जब वो उड़कर उसके पास आई और बिल्कुल उसके सामने ही थी तो वो रुक गई और आराम से बैठ गई। उसके माँ के पास जो मछली का टुकड़ा था, सीगल उसे आसानी से लेकर खा सकता था। फिर वो सोचने लगा कि मेरी माँ मेरे पास क्यों नहीं आ रही है, थोड़ी दूर पे क्यों रुक गई है। इसने हैरत से एक पल इंतजार किया और फिर भूख से पागल होकर उसने मछली पर झपट्टा मारा। एक जोरदार चीख के साथ वो बाहर और नीचे की तरफ गिर गया। वो बहुत ही ज्यादा डर गया था, मानो एक पल के लिए उसका दिल रुक सा गया था, वो कुछ नहीं सुन सकता था। लेकिन ये सिर्फ एक मिनट तक ही जारी रहा।
अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसके पंख बाहर की तरफ फैले हुए हैं। हवा उससे टकराने लगी। वो अपने पंख से हवा को काटता हुआ महसूस कर सकता था। वो अब सर के बल नहीं गिर रहा था, वो धीरे धीरे नीचे और बाहर की तरफ बढ़ रहा था। उसे अब बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, उसे बस थोड़ा चक्कर आया। फिर उसने एक बार अपना पंख फड़फड़ाया और वो ऊपर की तरफ उड़ गया। उसकी माँ उड़ती हुई उसे पीछे छोड़ दी। इसके पंख ने जोरदार शोर मचाया। सीगल एक और आवाज के साथ जवाब दिया। तभी उसके फादर खुशी से चीखते चिल्लाते उसके ऊपर से उड़ रहे थे। उसने अपने दोनों भाइयों और बहन को अपने चारों तरफ घूमते उड़ते और गोता लगाते हुए देखा। फिर वो पूरी तरह से भूल गया कि वो हमेशा उड़ने से डरता था, और वो चीखते हुए अपने आप को शाबाशी दिया कि वो अब ऊंची उड़ान भर सकता है और गोता लगा सकता है। वो अब समुद्र के पास था, सीधा उसके ऊपर ही उड़ रहा था। इसने अपने नीचे एक विशाल हरा समुद्र देखा, जिसके ऊपर छोटी छोटी लहरें चल रही थी। इसके माता पिता और इसके भाई बहन उसके आगे इसी हरी भरी मंजिल पर उतरे हुए थे। वो इसे इशारा कर रहे थे, तीखी आवाज़ निकाल रहे थे। उसने अपने पैर गिरा दिए, उसके पैर उसमें दब गए। वो डर के मारे चिल्लाया और अपने पंख को फड़फड़ाते हुए फिर से उठने की कोशिश किया, लेकिन वो थका हुआ और भूख से कमज़ोर हो गया था, इसलिए वो उठ नहीं सकता था। इसके पैर समुद्र में डूब गए और फिर उसका पेट उसे छू गया, लेकिन वो पूरा नहीं डूबा बल्कि वो तैर रहा था। और उसके चारों तरफ उसका परिवार खुशी से चिल्ला रहे थे, इसकी तारीफ कर रहे थे और उसे खाने के लिए डॉग फिश के कुछ टुकड़े ला कर दे रहे थे। आखिरकार सीगल ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट कंप्लीट कर लिया। तो चलिए अब आपको डिफ़िकल्ट वर्ड का मीनिंग बता देते हैं जो कि इस कहानी में यूज़ किया गया है। ये जो ज़मीन से उठा हुआ और ऊपर लगभग प्लेन है, इसे प्लेटू बोलते हैं, और जो बाहर की तरफ निकला हुआ हिस्सा है इसे लेज बोलते हैं, और लेज के सबसे आखिरी पार्ट को ब्रिंग कहा जाता है। प्रीनिंग मतलब होता है पंख को सही करना। ये है हेरिंग फिश और ये है डॉग फिश। डाइव का मीनिंग है गोता लगाना। सिंपल लैंग्वेज में समझाएं तो बर्ड मछली को पकड़ने के लिए जो डुबकी लगाते हैं,